उत्तराखंड के ऋषिकेश त्रिवेणी घाट टैक्सी स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने तीन वाहनों को बुरी तरह टक्कर मार दी, जिससे तीनों मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताते चलें कि रोडवेज बस हरिद्वार से ऋषिकेश आ रही थी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट चौक पर यात्रियों से भरी उत्तराखंड परिवहन निगम हरिद्वार डिपो की बस के ब्रेक फेल होने से वह बेकाबू हो गई। बेकाबू रोडवेज बस ने घाट चौक पर अवैध रूप से सवारी भरने के लिए खड़े तीन मैक्स वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में जहां रोडवेज बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई, वहीं मौके पर खड़े आसपास के लोगों और मैक्स चालकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रोडवेज की टक्कर से तीनों मैक्स वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि मैक्स वाहनों में कोई सवारी नहीं बैठी थी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान बस में 15 से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। दुर्घटना के बाद मैक्स वाहनों के चालकों ने बस के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने मीडिया बातचीत में बताया कि ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से साइड हटाकर अपने कब्जे में ले लिया। ड्राइवर को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। फिलहाल अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस हादसे में प्रथम जाँच में पता चला है कि बस के ब्रेक फेल हुए हैं। आपको बता दें कि त्रिवेणी घाट चौक ऋषिकेश का बेहद ही व्यस्ततम चौक है। यहां प्रतिदिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।